Hey guys, what's up? So welcome to the very first episode of our YouTube channel Hike with PK. पैसा ही पैसा होगा. If you don't know me, let's start with a quick introduction. My name is Pratik. I am a travel blogger and I create reels on Instagram. So yeah, that's all about me. So about this channel, यहाँ आपको क्या-क्या मिलने वाला है? हम लग्जरी ट्रिप भी करेंगे, बजट ट्रिप भी करेंगे. और लग्जरी ट्रिप्स को बजट में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. क्या ट्रैवल हैक्स होते हैं, कैसे हमें फ़्लाइट बुक करनी चाहिए, कैसे हम होटल्स में सेव कर सकते हैं और किसी सिटी को कैसे ट्रैवल कर सकते हैं चीपली. तो लास्ट 4 दिनों से मैं हूँ सिंगापुर में और अभी मैं बैठा हूँ सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा. अगर आप इंस्टाग्राम पर भी एक्सप्लोर करेंगे तो चंगी एयरपोर्ट बहुत फेमस है और यहाँ का वाटरफॉल बहुत मस्त. अगर आप इंडिया से सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लगता है SC अराइवल कार्ड प्लस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. SC अराइवल कार्ड क्या है, हमें रजिस्टर करना होता है इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहां आपकी सारी सर्टिफिकेशन और आपकी फ़्लाइट डिटेल्स, होटल बुकिंग्स, ये सब आपको रजिस्टर करना होता है फॉर द सेफ्टी एंड कोविड प्रोटोकॉल. सो SC अराइवल कार्ड आपको ज़रूर करना है जब आप सिंगापुर आ रहे हैं. इनका एक्सपीरियंस हम कल से डेली व्लॉग बनाने वाले हैं और डेली हम शेयर करेंगे. सो उससे पहले अभी हम बात कर लेते हैं कि थाईलैंड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो. पहली चीज़, थाईलैंड का आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, जिसका चार्ज लगता है आपको 2000 बाट, जो बनता है 4200 रुपये के आसपास. और आपको नीड होगी वहाँ थाई पास. पहले ही आपको 7 दिन पहले, कम से कम आप 10 दिन पहले ही अप्लाई कर दो थाई पास के लिए. से आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी वेबसाइट है जस्ट टाइप थाई पास. सेकेंड थिंग है, आपको उसके लिए चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. थर्ड चीज़, रिटर्न फ्लाइट टिकट, फर्स्ट डे होटल बुकिंग, दैट्स इट. और आप पहुंच जाओगे थाईलैंड. सो आई विल शेयर कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ. इमिग्रेशन अभी कम्प्लीट हो गया है. यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी सिंगापुर एयरपोर्ट की, इमिग्रेशन ऑटोमेटिक है, बस पासपोर्ट डालो. इमिग्रेशन अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की ओर, जाएंगे, खाएंगे, पियेंगे, पार्टी करेंगे, सो जाएंगे. हाँ, ये कर लो पहले. तो गाइस, हम सो के उठे हैं अभी और रिफ्रेशमेंट की बहुत ज़रूरत थी, तो हम आए बर्गर किंग कॉफ़ी पीने. एंड इनकी कॉफ़ी पड़ती है लगभग $4, जो कि पड़ते हैं लगभग 250 रुपये, बट ठीक है, यहाँ के हिसाब से अच्छी कॉफ़ी है. बहुत हार्ड था वेज खाना मिलना. अभी हमारे सामने है इमिग्रेशन फॉर्म भरेंगे, वीजा ऑन अराइवल लेंगे, पहुँचेंगे होटल. बट दो सीन हुए हमारे साथ पोपट वाले, पोपगेट हो गया, पोपगेट बोलते हैं ना हमने ब्रो, वही हो गया हमारे साथ. क्योंकि सिंगापुर में आपके हैंडबैग में अलाउ नहीं है, आपका हेयर स्प्रे, बॉडी स्प्रे, ये सब अलाउ नहीं है 100 ml से ज़्यादा. सो नुकसान हुआ 2000 का. रेड बुल अलाउ नहीं है, वो फेंक दी. एंड ऑल्सो वाटर बॉटल जस्ट अभी लिया था यार 150 रुपये का पानी. दिमाग की पूरी बच गई है, क्योंकि बताऊँगा स्टोरी. होटल पहुँच के अभी ढूंढते हैं, हमारा वेट कर रहा है कोई कौन आया हमारे लिए. तो गाइस, बंदे पे बंदा गायब है हमारा. अभी कार वाला हमें लेने आया था, वो चार से पीछे गई है, बट उसको गाड़ी मिल नहीं रही है. बंदा गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास भेजिए, 10 लोगों को लेने हैं, लो देखो मैं पूरी खा ली है. Thank you.
आपकी फर्स्ट रो है प्रायोरिटी वाली, उसमें आपको देने होते हैं 2500 बात यानी 4,500 और सेकंड रो है जिसमें आपको 2500 देने होते हैं 4000 500 रुपये का फर्क है। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, पंगे लगा रहे हैं, 15 दिन की बुकिंग दिखाओ। अरे मैं लाइफ में नहीं किया यार भाई, तू पागल है क्या? कभी मैंने अपनी ट्रिप आज तक प्लान नहीं की। कौन है ये लोग? सही मिलाऊँ मैं सबको बता भी चुका हूँ कि कभी प्लान नहीं करता। अभी कल 2 दिन यहाँ रहा, मजा आया तो 5 दिन रहेंगे। हम क्यों बुक करके रखे कि पूरा सिस्टमेटिक प्लान रहे? तो उन्होंने नहीं माना, बोला पे बुकिंग दिखाओ मुझे। मैंने बुकिंग दिखा दिया बिना अपना पे किया हुआ, तो वो नहीं माने, बोले आपको पे करना पड़ेगा नहीं तो हम नहीं रहेंगे वीजा। फिर मैं दूसरे रूम में गया, 2500 बात देने के लो भाई मारो 200 बात एक्स्ट्रा मिल पे, पर बुक नटने लगे। उन्होंने कोई बुकिंग नहीं मानी, कुछ नहीं, बात उठ लिया टप्पा लगाया ये लो जाओ। तो पैसे की करामत है भाई। पैसे चाहिए इनको तो अरेंजमेंट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप आओ 500 रुपये अलग बजट लेके आना भाई, नहीं तो खा जाएंगे ये फालतू में। आपका 1 घंटा खराब हुआ, एनर्जी खराब हुई, तो देखो अब क्या होता है आगे, होटल का क्या सीन है। तो भाई थाईलैंड में अभी बजे 4 और हमें रूम मिल गया है, और एज कम्पेयर टू सिंगापुर बहुत सेक्सी रूम है, क्योंकि इसका यूजुअल प्राइस आपका 2000 पड़ता है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आरटीपीसीआर इनके चक्कर में मुझे 12000 का पड़ा है। सो देखो रूम फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ थाईलैंड, और अभी हम जा रहे हैं चियांग माई, जो कि यहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है। आपने सुना होगा यहाँ पे फ्लाइट्स बहुत सस्ते हैं, पर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो लंबा ट्रिप प्लान करके आओ और जाओ ट्रेन और बस से, क्योंकि उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुझे आपको पता होगा मैं बस और ट्रेन रील्स बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, सो जो जल्दी मिला हम उससे जाएंगे। और अभी हमारा जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है, हम पैक करके बस निकलने वाले हैं। बाहर का व्यू देखो क्या सेक्सी व्यू है। जा रहे हैं इको माई बस स्टेशन, बट इन बंदों ने बजा रखी है टैक्सी वालों ने कि हमें 200-300 बात चाहिए। सो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का मांग रहे हैं, 400-500 रुपये से अच्छा वॉक कर सकते हो, या फिर मेन रोड पे जाओ वहाँ से आपको सस्ते मिलेगा। वो मेरे साथ 2 भाई हैं हरियाणा से। हाय बस, तो आपको क्या माई कंट्री माई प्रोडक्ट, तो जाओ फॉलो करो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करो, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट और वो ट्रैवल में स्टार्ट करने वाले गाइस। सो स्टे कनेक्टेड, मैं चैनल नेम बताता रहूँगा आपको उनका नया चैनल नेम जब भी वो खोलेंगे। गाड़ियों का बाजार लगाया हुआ तगड़ा वाला। This is business. स्टेशन है यहाँ का एक माई, और यहाँ से हम जा रहे हैं मोचित चंग माई की। सो गाइस चियांग माई की बस में बैठ चुके हैं हम, बैंकॉक से चियांग माई पड़ता है अपना 800-900 किलोमीटर। बस का टिकट पड़ा 1000 रुपये, जो कि यहाँ के हिसाब से 500 बात पड़ता है। मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप अगर 900 किलोमीटर का जर्नी कर रहे हो, ये आपको एसी बस दे रहे हैं, प्लस फूड स्नैक्स ड्रिंक सब मस्त है। अपना दिल्ली में मस्त चेपते हैं 1500-2000 में बस, तो मुझे लगा ठीक है यार अच्छा जर्नी रहेगा, और फ्रंट सीट मिला है तो हम अच्छे अच्छे रील्स बनाते हुए जाएंगे। तो